अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह की अमान में हैं। और आज हमारी झटपट सी इफ्तार तैयार है। दही बड़े बना लिए थे बहुत जल्दी से, बेसन के बनाए थे आज, और साथ में हमने लच्छा पकौड़ा बना लिए थे। और झटपट सी इसलिए क्योंकि आज हमें इफ्तारी के फ़ौरन बाद जाना है ईद की शॉपिंग के लिए। और ये वाला व्लॉग शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी फ़र्स्ट शॉपिंग होगी जिसमें भाभी हमारे साथ होंगी। और ये ईद भाभी की हमारे साथ फ़र्स्ट ईद है, और लाहौर आने के बाद से ये हमारी फ़र्स्ट गैदरिंग होगी जो शॉपिंग के लिए हम पूरी फैमिली एक साथ जाएंगे। तो इफ्तार के बाद, मगरिब के बाद मैंने रेडी होकर थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगा लिया था क्योंकि हमें वहाँ पर फैमिली पिक्स भी लेनी थी। तो ये थी मेरी कंप्लीट लुक जाने के लिए। और स्टॉलर ये मेरी भाभी लेकर आई थी पिंडी से, तो वही वाला मैं कैरी करके जाऊँगी। शॉपिंग के लिए हमारी टारगेटेड डेस्टिनेशन थी पैकेजेस, क्योंकि वहाँ पर हमें शूज़, ज्वेलरी और कपड़े हर चीज़ मिल जाने थे। तो हम लोग पहुँचते ही हमने सबसे पहले इकट्ठे होकर डिसाइड किया कि सबसे पहले हमें किस साइड पर जाना है। तो हम लोग जाएंगे अपर फ्लोर पर, और वहाँ पर हमें ढूंढना था सबसे पहले तो हम गुल अहमद को देखेंगे और बोनेंजा को देखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम रेडीमेड अटायर्स ले लें इस बार ईद के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे कपड़े स्टिच नहीं हुए हैं सारे, जस्ट मेरा स्टिच हो रहा है। तो अभी हमें ईद के लिए फौरी तौर पर रेडीमेड चाहिए होगा कुछ, और वो समर वेयर चाहिए होगा। तो बोनेंजा पर देखा तो बहुत ज़्यादा उन कॉस्टली थे और बहुत ही कैजुअल वेयर उनके डिज़ाइंस थे। मतलब मुझे कुछ चाहिए था एम्ब्रॉयडरी में रेडीमेड, जो मैं सेमी फॉर्मल ड्रेस हो कहीं आने जाने के लिए मैं पहन सकूँ। तो वहाँ तो समझ नहीं आई, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे अलकरम पर, और यहाँ पर भी कोई इतने कोई ख़ास समझ नहीं आई। वैसे ये सिर्फ मैं ही हूँ या फिर आप सबको लगता है कि इस दफ़ा रेडीमेड में भी कोई कलेक्शन नहीं आई है किसी भी आउटलेट पर किसी भी ब्रांड की? पर्सनली तो मुझे ये ऑरेंज वाला टू पीस बोल रहा था, लेकिन ये आप नॉर्मली घर पे पहन सकते हो। कहीं जाने के लिए अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए तो वो इस टाइप का नहीं कम से कम चलेगा। लेकिन मैंने ये माइंड में रखा था कि इस दफ़ा जब गर्मियों के कपड़े बनाएंगे ना, तो मैं इस तरह का फ्रॉलर प्रिंट ज़रूर लूँगी ऑल ओवर में। अलकरम पर मुझे एक एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो मेरे साइज़ की नहीं मिल रही थी। उनके पास एक्स्ट्रा लार्ज में वो कुर्ती अवेलेबल थी, और भाई कह रहा था कि थ्री पीस ले लो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें दुपट्टा मैच करने में भी टेंशन हो रही थी। उनके पास लिमिटेड कलर्स रह गए थे क्योंकि अब तक तो मोस्टली स्टॉक उनका आउट हो चुका है, सेल हो चुका है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे लाइमलाइट पर, और तब हमने ये डिसाइड किया था कि भाभी मेरी हेल्प कर देंगी ड्रेसेस सेलेक्ट करने में, जो कि वो सभी की कर रही थी, क्योंकि मुझ पर रहती ना तो मैं पता नहीं कुछ फाइनल मुझसे होता भी कि नहीं होता। तो अब हम लाइमलाइट पर थे और भाभी मेरी हेल्प कर रही थी। एक ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसके साथ उनके पास दुपट्टा नहीं था और ये टू पीस में थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कलर ऑलरेडी बहुत बार पहन लिया है, तो मुझे कुछ लाइट कलर्स में चाहिए था जो पेस्टल कलर्स में हो और वो मुझे पहना हुआ सूट भी कर जाए, क्योंकि अक्सर पेस्टल कलर्स में भी मेरा कम्प्लेक्शन नॉर्मल से ज़्यादा डार्क आ जाता है। कुछ ऐसे पर्पल वाली शर्ट्स तो ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो वन पीस थे, जस्ट शर्ट्स ही थी। और एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है कि यही वाले अगर उनके पास फैब्रिक पड़ा था अनस्टिच में, तो वो 4000-5000 में था, और अगर यही वो स्टिच में दे रहे थे ना, तो 9000 तक ये बहुत ही नॉर्मल सी ड्रेसेस जा रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हैवी भी कोई सीक्वेंस वर्क वगैरह नहीं हुआ था, इवन के 11000 तक जाएँ थी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं लगता कि जिस तरह बिल्कुल आप रॉ भी कर रहे हो कस्टमर्स को। और अनस्टिच में अगर आपको देखो ना, तो उसमें इतनी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन बात यही कि टाइम नहीं था, तो उसकी वजह से हम अभी स्टिच तो करवा नहीं सकते थे, तो मजबूरी थी कि मुझे रेडीमेड में ही लेना है। ये येलो कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन थी, किसी इवेंट पर जाने आने के लिए नहीं थी, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। अदरवाइज़ मैं वो येलो वाली तो ज़रूर पिक करती। येलो और ऑरेंज कलर तो हमेशा से मेरी वैसे भी वीकनेस रही हैं। एनीवेज हमें ये लाइमलाइट पर ही खड़े खड़े ही पसंद आया था। जब मैंने पूरा राउंड लिया तो मुझे तो नज़र नहीं आई ये ड्रेस, लेकिन फिर भाभी ने राउंड लिया ना, तो उनको ये दोनों पसंद आ गई, और मुझे वाकई लग रहा था कि ये अच्छी लगेगी। इनकी कैप्रीज बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने अभी इनको रख के हमने सोचा कि एक राउंड हम लोग जेलबरी का भी लगा लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने ये डिसाइड किया था कि हम सारी आउटलेट्स पर एक एक राउंड लगाते हैं, विजिट करते हैं, जहाँ से जो पसंद आए फिर उसके बाद वहाँ से पिक कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो। वो औरतों को तो ये चीज़ पता है ना, ये क्या स्कीम होती है। तो इनके अनस्टिच में ही मुझे डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान है कि अगर मैं गर्मियों के लूँगी ना, तो उसमें मैं गले वाले बिल्कुल भी नहीं लूँगी, बॉर्डर वाले भी नहीं लूँगी, बल्कि मैं इस तरह का प्रिंट लूँगी जिस तरह की ये वाइट ड्रेस थी, और फ्लोरल में लूँगी, और ऑल ओवर्स लेने का मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है, मेरा भी और भाभी का भी, इवन के बहनों का भी।
ये वाली ड्रेस देख के तो मुझे बाकायदा तौर पे याद है कि हमने भाभी का भी जैकार्ड का मरजंडा कलर का बिल्कुल इसी तरह का ड्रेस लिया। उसका डिज़ाइन इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। यहाँ पर हम खड़े भाई का वेट कर रहे थे आने का, और उतने में छोटी कोई शर्ट नज़र आ गई और वो मुझे कह रही थी कि ये वाला जो टॉप है ना, इसकी अच्छे से वीडियो बना लो, क्योंकि यही वाला डिज़ाइन मैं अपने भी किसी कपड़े के ऊपर ट्राई करूँगी। और ये बच्ची जो है ना, माशाल्लाह से ये तो हमारी बहुत ही अच्छी सी सीम स्ट्रेस है, और इसी से मैं अपने कपड़े स्टिच करवा रही हूँ। और इस दफ़ा भाभी ने दिए हैं सीम स्ट्रेस को, कुछ कपड़े हमारे कसूर अभी पड़े हैं वो भी हमें पिक करने हैं। और यहाँ से ये वाला डिज़ाइन जो है ना, इसको इतना पसंद आया था, और इसकी जब तक वीडियो नाना ले लेते तो उसे लग रहा था कि ये उसको भूल जाएगा डिज़ाइन। सो उसने मुझे बोला कि इसकी क्लोजली वीडियो बना लो, मैं इसको खुद स्टिच करूँगी, अपनी मर्ज़ी का बनाऊँगी। जिनको सिलाई आती हो ना, उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो जो भी चीज़ देखें ना, उसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से, उसे इंप्रेस होकर उससे ज़्यादा नीट वो स्टिच कर सकते हैं। मुझे भी कुछ टॉप्स यहाँ पर अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसके नीचे आपने ब्लैक लाइनिंग पूरी लगाई हो ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर आप फ्रॉक ले लो और उसके ऊपर आपने ये वाली शर्ट्स कैरी की हो ना तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन मैंने नोट किया है कि इनकी ना स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नीट नहीं थी, कहीं कहीं पे टांका बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो उसी तरह उन्होंने छोड़ा हुआ था। अब मुझे बहुत तो सिलाई नहीं आती, लेकिन मुझे बेसिक्स पता हैं, और जब मैं ये सीख रही थी ट्राउज़र वगैरह स्टिच करना, तो मुझे याद है कि मुझसे जहाँ से भी धागा इकट्ठा होता था वहाँ से मम्मा कहती थी इसको उधेड़ो, इसको दोबारा से सिलाई लगाओ, क्योंकि सिलाई में नीटनेस सबसे ज़्यादा काउंट होती है। एक ये वाला टॉप भी इसको बहुत पसंद आ रहा था, ये आइडिया बहुत यूनिक था और ये अंगरखा स्टाइल बना हुआ है, मगर ये अटैच्ड नहीं था, ये ओपन था, मतलब आप इसको किसी भी साइड पर आप इसको टाई कर सकते हो, इसकी नॉट बना सकते हो, कहीं पे आप अटैच कर सकते हो इसको टिच बटन वगैरह लगा के, ये टेप लगा के, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो वो इसको अपनी नज़र से देख रही थी और मैं अपनी नज़र से देख रही थी। ऑब्वियसली इनके साथ इनर्स तो लगेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लग रहे थे यहाँ पर। और जब हम बाहर आए ना, तो अब हमारा इरादा था कि खड़े खड़े जीन पर देखाएं, क्योंकि भाई ने हमें बोला था एक जगह पे रहो, अलग अलग नहीं जाना, मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो साइड पर भाई खड़े आइसक्रीम्स खा रहे थे, और हम लोग लड़कियों को मुसीबत पड़ी हुई थी कि क्या लेना है, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती थी उसमें मेरा साइज़ नहीं मिलता था, और जो चीज़ मुझे लगता था कि ये मुझे पहनी सूट करेगी उस पर कोई ना कोई मुझे बता देता था कि ये कलर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मेरी नस्बत तो ना चोटियाँ दोनों अच्छी रह गई थी, क्योंकि इनकी अब तक शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, एटलीस्ट कपड़े इन्होंने ले लिए थे, और जब मेरी ड्रेस फाइनल होनी थी उसके बाद हमें जाना था नीचे और जूते लेने थे। जितने में भाई छोटी की ड्रेस के लिए पे कर रहा था ना, उतने में मैंने और भाभी ने खड़े खड़े जीन पर भी एक राउंड ले लिया। हमारा पहला टाइम था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी जीन पर, मैंने इनके पहले कभी भी कोई ड्रेस नहीं ली हुई है। तो खड़े खड़े हम लोग वहाँ पर गए थे, उनके पेस्टल कलर में कैजुअल की वैरायटी अच्छी थी, पर सेमी फॉर्मल में मुझे उनके पास कुछ समझ नहीं आया, और वैसे भी उनका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अब तक आउट हो चुका था। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन रही होगी, जो उनका अब तक स्टॉक इतना ख़त्म भी हो गया। सो घूम फिर कर मैं आ गई थी ज़ेलबरी पर, और यहाँ पर मुझे तवक्को के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल गया था, और मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे भाभी ने पसंद करा दिया था। और इस क्या लिया था मैंने, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों ने अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर सकूँ हम सब की शॉपिंग के हमने क्या क्या लिया था। उसके बाद आ गए थे हम लोग स्टाइलो पर, और यहाँ आते ही मेरा प्लान था कि मैं न्यूड में कुछ लूँगी, कुछ ब्राउन में लूँगी या फिर बेज कलर में लूँगी। तो लेकिन मुझे ये पिंक वाली सैंडल बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक तो ये डिज़ाइन न्यू था, वहाँ सामने उन्होंने डिस्प्ले पे भी स्क्रीन पर लगाया हुआ था, और ये कम्फी भी बहुत थी और लाइट वेट भी बहुत थी। और कसूर की नस्बत लाहौर के स्टाइलों में वाकई बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वरना कसूर के स्टाइलों पर हम जितनी बार भी गए हैं ना, हमें वापस ही आना पड़ा था, वहाँ से मुझे कभी कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मुझे मर्ज़ी की चीज़ें मिल गई थी। स्नीकर लिए थे छोटियों ने, और थक हार कर मैं और भाभी बाद में बैठ गए थे आराम से। अब इसके बाद हमें जाना था ज्वेलरी मैच करने के लिए, लेकिन हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे ना, क्योंकि इफ्तार के बाद से ही मुझे भी हेडेक था और भाई की भी तबीयत डाउन हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, खाना नहीं मतलब कि फ़ास्ट फूड खाने के लिए आ गए थे, और अब हम बैठ के वेट कर रहे थे भाइयों के ऑर्डर लेकर आने का। जितने में हमें ये कॉस्ट्यूम इतना अच्छा लगा, और छोटी ने इसको देखते ही शुगर लगाने शुरू कर दी, और कहती मुझे सेल्फ़ी लेनी है, सेल्फ़ी लेनी है। तो एकदम से मेरा भी माइंड बन गया कि चलो साथ में सेल्फ़ी ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई मोमेंट मिल रहा है एंजॉय करने का तो फिर क्यों ना करें। मुझे इसकी और भाभी की ये आदत बहुत पसंद है कि इनको जब भी कोई चांस मिल रहा हो ना इन्जॉय करने का, तो ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इवन के थकन की भी नहीं करते, और फ़ौरन से ना जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको फ़ौरन कैच कर लेते हैं। और जबकि मैं हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर एनर्जी डाउन है तो जितना मर्ज़ी कुछ अच्छा हो रहा है ना पास में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। मगर एक पिक्चर तो मैंने भी बनवा ही ली थी, इतने में हम लोगों का ऑर्डर आ गया था, और अब हम लोग खा के निकल आए थे बाहर। ज्वेलरी हम लोग ने नहीं ली, अब शायद हम चुंगी से लें, प्लान तो अभी यही बना था, लेकिन 12 बज चुके थे और बहुत एग्जॉस्ट भी हो चुके थे, और
अनाउंसमेंट भी हो रही थी, तो अब क्लोजिंग टाइम चल रहा था, तो हमने सोचा कि अब घर ही चलते हैं। वैसे भी अभी मुझे सहरी के लिए दोबारा उठना था, तैयारी करनी थी और जाके अभी हमें रेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आते हुए ना मेरे पीछे दो टिकटॉकर्स थे, नाउ गेस हु दे वर। आप लोगों ने नेम गैस करके कमेंट में बताना, वो पीछे अपनी वीडियोस बना रहे थे और छोटा सा ग्लिम्स आया है उनका पीछे से इसके अंदर, तो वो आप लोग कैच करके मुझे बता दें अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये रही जी हमारी शॉपिंग, और अब हम लोग पियेंगे दुख तोड़ चाय। जैसे कि मेरे सर कहा करते थे, जब आप थके होते हो ना तो आपको स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है, उसको कहते हैं दुख तोड़ चाय। तो वो अभी हम लोग लेंगे, और अभी से ही दो बज चुके थे हमें, छोटी चली गई थी बकायदा इबादत करने के लिए, और आज 27वीं का रोज़ा था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज का। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से रात तक बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, और इसके बाद अब भाभी के हाथ की बनी हुई भिंडी हम सहरी में खाएंगे। और हमारी शॉपिंग क्या क्या रही है मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छे अच्छे कमेंट्स लीव कर दें नीचे वीडियो में, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।